चलो नीचे उतरेंगे नहीं, चलो पीछे पीछे फसा दिया भाई गाड़ी उसने। देख सकते हैं हमारे साथ हमारे कैमरामैन भाई हैं, मीडिया कवरेज पूरा चल रहा है यहाँ पे। मैं प्रतीक पोरवाल आपके साथ बना रहूँगा। आइए वापस ले चलते हैं आपको फैंस के पास, काफी लोग यहाँ पे। बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday, sir! Happy birthday, sir!
को तोड़ दिया जुम्मे का वादा, मैं आ गया रे फिर झुम्मा 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 दे दे, झुम्मा झुम्मा दे दे झुम्मा विनोद, हम लोगों के लिए ये एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह है। वही इंतज़ार करते हैं, आज 11 जाएगा, अगली 11 का इंतजार करने लगते हैं हम लोग साल भर से, कि हर दिन हर पल अमित जी के साथ हैं। रात को आधी रात को उनका ट्विटर का फेसबुक का हम लोग इंतज़ार करते हैं, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसी सोचते सोचते सवेरा हो जाता है, क्या लिखना है। उनके शब्दों का कोई जवाब नहीं होता है। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, साल में त्यौहार मनाएंगे, जब उनका बुलावा आएगा उनसे मिलेंगे, अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लोग सब मिलके उनको एक बधाई देते हैं। कहाँ से? मैं एसपी कामत, अमिताभ फैंस एसोसिएशन कोलकाता का सेक्रेटरी हूँ। 79 से हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उनसे प्रेरणा प्रकर समाज की जितने सोशल वर्क्स हैं उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये देखिए, ये हम लोग भारत सरकार के 5 कार्यक्रम हैं, इस पर हम लोग अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं। और अभी अभी अमिताभ बच्चन जी ने प्लास्टिक वर्जन और पेड़ लगाने पर जो मुहिम छिड़ाए हैं, हम लोग उसमें अभी इन्वॉल्व हैं। और हमारे जो भी जहाँ जितने फैंस हैं ऑल ओवर इंडिया में, सारे लोग इस काम में जुड़ चुके हैं। प्लास्टिक से मुक्त करना है भारतवर्ष को और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाना है। अमिताभ बच्चन जुग जुग जियो, अमिताभ बच्चन की जय। मैम, मैं एमपी से आई हूँ, इंदौर से, और अमिताभ जी के फिल्म इंडस्ट्री में भी 50 साल पूरे हो गए, तो मैंने एक छोटा सा पोएट्री का एक कलेक्शन किया है। मैं लिखती आई हूँ कब से, तो मैं आज उनके लिए यही विश करना चाहूँगी कि हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो यादें हैं, जी लो तो ज़िंदगी है। तो अमिताभ जी ने यही दिखाया है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। अगर आप कहें तो मैं पोएट्री में उनके लिए जो मैंने लिखी है मैं उन सुनाना चाहती हूँ आपको। सुनो बिनोद इसको। कुछ के पास केवल ख्याति है, कुछ के पास है यहाँ पैसा, पर इस पूरी दुनिया में अब कौन तुम्हारे जैसा। नाम शहंशाह मिला तुमको और तुम हर मन के राजा हो, जो जो तुमने काम किया है हर मन में वो ताज़ा है। फिल्मों में जीवन जीते हो, जीवन फिल्मों से भरपूर, दुनिया में कंकर पत्थर, तुम पत्थर में कोहिनूर। काम किया ये 50 बरस तक और अभी भी करना है, कितना खास तू इंसान है और अभी भी सीधा सादा है। तेरा रुतबा अगर मैं सोचूं सूरज चांद से ज़्यादा है, यही दुआ है अब इस दिल से, यही हमको कहना है, पैर तुम्हारे धरती पे रहे सर आसमान पे रहना है। अमिताभ बच्चन की जय। मैडम, ये रहा आपका दूसरा अमिताभ। मैं
10-11 साल से अमिताभ जी के जन्मदिन पर यहाँ आ रहा हूँ और उनका सबसे बचपन से मैं फ़ैन हूँ, ठीक है। और जितनी फिल्म लगती है मैं उनको देखता ही हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाह रहा हूँ और चाहता हूँ कि यह पुस्तक उनके हाथों लोकार्पण हो तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और एक गाना मैं उनके लिए पेश करना चाहता हूँ। अमिताभ मेरे, अमिताभ मेरे, अमिताभ मेरे, अमिताभ मेरे, तू है तो दुनिया है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। अमिताभ मेरे, अमिताभ मेरे। और एक पंक्ति और मैं इस बुक से मैं ये करना चाहता हूँ। महान अमिताभ भारत की शान है अमिताभ, महान अमिताभ भारत की शान है अमिताभ, देश की धड़कन देश का दर्पण, देश की धड़कन देश का दर्पण, देश विदेश का सम्मान है अमिताभ। भारत की शान है अमिताभ, भारत का दिलो जान है अमिताभ, महान अमिताभ भारत की शान है अमिताभ। भारतीय गीत संगीत कला व अभिनय का सम्राट है अमिताभ, भारतीय गीत संगीत कला व अभिनय का सम्राट है अमिताभ। भारत की आन है अमिताभ, भारत की शान है अमिताभ, महान अमिताभ भारत का शान है अमिताभ, भारत का शान है अमिताभ। सबके दिल में बसने वाले, हर किसी को चाहने वाले, सबके दिल में बसने वाले, हर किसी को चाहने वाले, सब चाहते हैं आपको, प्यार करते हैं आपको, महान अमिताभ भारत का अभिमान है अमिताभ। जीती जागती तस्वीर है अमिताभ, जीती जागती तस्वीर है अमिताभ, सिनेमा घर की तस्वीर है अमिताभ। हर कोई देखना चाहता है आपको, हर कोई देखना चाहता है आपको, आपकी कला को और पूछता है आपको, आपकी कला को और पूछता है आपको, महान अमिताभ भारत के शान है अमिताभ। सब प्रशंसकों का राज है अमिताभ, कलाओं और कलाकारों का मान है अमिताभ, कलाओं और कलाकारों का स्तंभ है अमिताभ, कलाकार का दम है अमिताभ, भारतीय रंगमंच का प्राण है अमिताभ। बिल्कुल, हम लोग सभी फैंस की ओर से मैं श्री अमिताभ बच्चन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उनको जो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है वो हमारे फैंस के लिए एक जश्न की बात है, और उनको बहुत बहुत मुबारक इस बात की, और बहुत ही खुश हम लोग हैं यहाँ पर, और शाम तक हम यहाँ जश्न मनाने वाले हैं। थैंक यू। आज ईद, होली, दिवाली सब आज ही हैं, आज के दिन के लिए हम लोग एक साल से इंतजार करते हैं। आज 77 साल के होंगे उनके, हम सारे फैन लोग यहाँ पर उनके बधाई देने के लिए पहुँचे हैं। मैं स्पेशल है कि मेरे शर्ट में पूरा सारे नाम लिखे हुए हैं फिल्म का, हाँ, इसे पूरे सब अपने हाथों से लिखे हैं। आज उनको ये मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, और ज़्यादा नहीं, कैप में भी कुछ नाम लिखा हुआ है, हाँ। अभी रिसेंट में ब्लैक बहुत अच्छी लगी हम लोग। ओके, चलिए मैडम, हाँ आप आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, नाचते हुए आए हैं, लोग न्यू हैं, पक्का। इनसे पूछिए पहले, एक्साइटमेंट तो मैडम बयान नहीं कर सकते कितना एक्साइटमेंट है, वो हमारे दिल में है। और ये एक फेस्टिवल है, ये कि उनका बर्थडे होता है तो हमारे लिए एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा। तो बात रही कि बड़े फैन की, तो मैं बड़ा फैन उस टाइम मानूंगा जब मुझे वो दर्शन देंगे। बचपन से लेकर आज तक उनकी मैं इंतज़ार ही करता रहा हूँ कि कब मेरे भगवान मुझे दर्शन दें और मेरा जीवन सफल बनाए। तो फैन तो अपने आप को बड़ा मैं जब मान सकता हूँ जब वो दर्शन देंगे, जब मेरे भगवान दर्शन नहीं देंगे तो मैं बड़ा कहाँ का। मेरा नाम कन्हू भाई ठक्कर है, मैं कच्छ से आता हूँ, गुजरात से। अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अमिताभ बच्चन मेरे भगवान है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे से बड़ा चाहने वाला अमिताभ बच्चन का शायद इस दुनिया में नहीं, क्योंकि मेरे दिल दिमाग आत्मा में सिर्फ अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन। ऐसी कोई रात नहीं जो मेरे साहब मेरे सपने में नहीं है वो, क्योंकि सुबह से यही बात चालू रहती है। स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, अमिताभ बोलना, अमिताभ बच्चन के बारे सुनना, अमिताभ बच्चन के बारे में
मेरे को मुँह को अमिताभ बच्चन की जीवा बोलने की आदत नहीं है, मेरी आँखों को अमिताभ बच्चन देखने की जीवा आदत नहीं है, वो मेरे कानों को अमिताभ बच्चन सुनने का। आप जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे शहनशाह तेरी जिंदगानी रहे। आप जुग जुग जियो हजारों साल, अमिताभ बच्चन जी जुग जुग जियो हजारों साल। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिग बी जी का बर्थडे है, मैं उनके लिए एक शेर सुनाना चाहूँगा। सोने का घड़ा पलंग पे पड़ा, अमिताभ जी का दिल इतना बड़ा कि उनको हैप्पी बर्थडे कहना पड़ा। जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं मतलब क्या, मेरे पास कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं है कि उनके बर्थडे के बारे में क्या बताऊं। मैं मतलब पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है, मैं भी एक फ़ैन उनका और सर का। और मैं जयपुर से, राजस्थान से आया हूं, बहुत उम्मीद के साथ आया हूं कि सर को एक बार मैं देखूंगा जरूर, तमन्ना है मेरे दिल में। और मैं आज भी ऐसी कोई रात नहीं है कि जिस दिन अमिताभ बच्चन साहब के गाने नहीं सुनता। मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सभी दर्शकों की दिल की इच्छाएँ पूरी हो, सबको सर देखे और सबको बहुत खुशी हो कि सबकी इच्छाएँ पूरी हो, जैसे मेरी इच्छाएँ पूरी हो कि मैं एक बार सर को देखना चाहता था। बचपन से यही सपना था कि सर को एक बार मैं देखूं जरूर। अमिताभ बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूं मैडम। मुझे सबसे अच्छा मूवी लगा मुकद्दर का सिकंदर, और उसका एक डायलॉग है, वो कहते थे कि मैम साहब दुनिया में लोग मोहब्बत के सहारे जीते हैं, हम तुम्हारी नफरत के सहारे जिंदा हैं। जो आज मैं कई बार हमारी मैडम को बोलता हूँ, वही डायलॉग मैं बोलता हूँ कई बार। अगर वो नाराज़ होती तो मैडम का मैं क्या आपकी मोहब्बत नफरत के सहारे आज भी जिंदा हूँ। अरे नहीं नहीं, 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 नहीं। हाँ, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। हम सूरत से रात को आए हैं और तभी से यही है। और सर को ये मनोज भाई ने मुँह से पेंटिंग जो बनाया है सर का, वो एक साल से बनाया हुआ है, वो सर को गिफ्ट करना है। आज वो गिफ्ट करने के लिए हम वेट कर रहे हैं, बहुत ही एक्साइटेड है हम। और सर को बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। मोहब्बतें। मैं मनोज भिंगारे, माउदन फूड पेंटिंग आर्टिस्ट। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको मिलने के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी समय से पेंटिंग बनाया हुआ है और बहुत वेट कर रहा हूँ मैं कि मैं ये पेंटिंग और मेरी कला का जो थोड़ा सा जो ये है वो मैं उन तक पहुँचा पाऊँ। तो आज जन्मदिन के मौके पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कल्पेश भाई, मैं, मेरे पिताजी और भद्रेश भाई, और हमारा जो ग्रुप है सूरत में जो हैंडीकेप ग्रुप है दिव्यांगों का, वो सभी में अपने आप में कुछ खासियत है। और मैं ये पेंटिंग देने के लिए बहुत ही मतलब कब से ये वेट कर रहा हूँ, और ये पेंटिंग देने के लिए अगर मुझे मिलता है तो बहुत ही बड़ा दिन होगा मेरे लिए और बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, वेलकम। हर कोई को होगी बच्चन जी से मिलने की, अल्हम्दुलिल्लाह वही लेकर के आया हूँ, बच्चन जी से मैं मिलूँ। आप जानना चाहूँगी आप कहाँ से आए हैं? मैं सूरत से आया हूँ। यही कि वैसे बच्चन जी दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा मूर्ति जैसे बने हुए हैं और वो रहेंगे ही, तो और भी उनका आयुष्य लंबा हो और बहुत सारे लोगों को उनके जीवन से प्रेरणाएं मिले, यही मेरी उनके बहुत बहुत बधाई है और उनके जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। आप
कौन से लगे हैं आप? बच्चन जी की तो अब क्या क्या बताएं, एक से बढ़कर एक रही है और मैं तो हमेशा उनकी जो जो है पसंद कभी कभी झलके देख लिया करता हूँ। उनके उनसे इनकी फिल्मों से एक इंस्पायरमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई एक अपने अंदर जुनून भी रखो, खुददार, भले वो एक रियल रोल होता है लेकिन उनके अंदर एक ये रहता है कि भाई आप अपने अंदर एक खुमारी रखिए, अपना जो स्वाभिमान है वो कभी मत खोइए। जो बच्चा जो स्टार्टिंग की उनकी दीवार जंजीर ये जो रही है उसके अंदर जो रोल दिया है वो मतलब समझो कि वो चीज़ें बचपन से लेकर जो दिमाग पर बसी हुई थी वो आज तक लगी रही है। बस उनकी तंदुरुस्ती सलामत रहे और बहुत सारी बधाइयाँ शुभकामनाएँ है और बहुत सारी दुआ है। हाँ यार, मैंने बना है, हम लोग कोल्हापुर से आए हैं। मैं और बेटा, मेरा बेटा रोनित चौगले, हम दोनों कोल्हापुर से आते हैं। हर साल हम यहाँ पे आकर कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले साल हमने यहाँ पे बिग भी बनाया था और उससे पहले 75 बनाया था। अमित जी ने हमको बहुत कुछ फिल्मों के द्वारा दिया है, हमें भी लगता है कि उनके लिए हम भी कुछ करेंगे। अब ये पूरा खर्चा हम लोग करते हैं मेरी तरफ से, क्योंकि बाबा चलो ये नई जनरेशन है, अमिताभ जी अभी तक इनका 77 ये चल रहा है फिर भी अभी तक काम करते हैं, बहुत एनर्जी इनके पास। और हम ये बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनसे कुछ तो सीखे कि ये 77 ईयर में भी इतने यंग लगते हैं। और अपने जो अभी के नौजवान है अमिताभ से ये लोगों ने इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अमिताभ जी को इस साल ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, मेरी ऐसी दुआ है कि ये देश का, भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न पुरस्कार अगले साल मिले, ये मैं भगवान से दुआ करता हूँ। थैंक यू। इसके लिए दिल अब करार, वो घड़ी आ गई आ गई यार, प्यार में हद से गुजर जाना है, मार देना है खुद को या मर जाना है, होगा तेरा आशिक जमाना और का दिल होगा तेरा निशाना, याद ना कर नजर पे आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, ओ घड़ी आ गई जाना, मन की जिगर में उतर जाना है, मार देना है खुद को या मर जाना है, उस पे जो गुजरी तू क्या मैं हर 11 अक्टूबर को उतना एक्साइटेड होता हूँ जितना अपने बर्थडे भी नहीं होता। मैं अपने भगवान के घर आया हूँ मैं, और हर 11 अक्टूबर को चाहे मैं कहीं पर भी हूँ मैं सेलिब्रेट करता हूँ।
और अगर बॉम्बे होता हूँ तो मैं उनके घर में आके सेलिब्रेट करता हूँ। तो ज़्यादा खुशी मुझे मेरे पास कुछ वो नहीं है, और मैं यहाँ बॉम्बे का नहीं हूँ, मैं गुड़गांवा से आया हूँ मैं, और पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह सुबह की फ़्लाइट पकड़ी सीधा आ गया। आप ये मुझसे पूछिए कौन सा ऐसा मूवी नहीं है जो मुझे कोई पसंद नहीं है। मुझे आप अगर मूवी देखते हैं उनके कोई कॉमेडी सीन होते हैं तो आप उसमें हंसते हो, मैं हंसता नहीं, मैं रोता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। बस तो मेरे पास कोई ऐसा वर्ड्स नहीं कहने के लिए, मेरे पास आई एम स्पीचलेस, आई कैन नॉट से राइट नाउ, सो वॉट एवर यू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, मे बी आई एम सेइंग रॉन्ग और राइट, आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट इन माई सेंसेस। As I said that I'm not in my senses and all, just tell you, मैं बचपन से लेकर आज तक तो मतलब सिर्फ एक ही नाम मेरे माइंड में है और एक ही रहेगा, वो है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। सॉरी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, लॉन्ग लाइफ रहे दिया, और हम हर साल हर 11 अक्टूबर को यहीं पर ही आके आपका जन्मदिन मनाएं।